अभी है हिंद जिंक को कहाँ पे बाय करना चाहिए और क्या इसमें स्टॉप लॉस की जरूरत है। ओके, तो हम लोग पहले हिंद जिंक के चार्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा। हिंद जिंक, HINDZING, हिंद जिंक। देखिए हिंद जिंक को कहाँ पे बाय करना है और क्या स्टॉप लॉस की जरूरत है, इनका सवाल है। तो देखिए अभी 293 के आसपास चल रहा है, अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया को ये ब्रेक डाउन करने की पूरी तरह से कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है हिंद जिंक। अगर इस एरिया के नीचे यानी कि 290 के नीचे निकलता तो ये आपको 280 के आसपास मिल जाएगा। तो 265 से लेके 280 का जो एरिया है, ये जो मेन हर्डल है, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट एरिया बनता हुआ दिखेगा। ये दो पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इस एरिया के आसपास अगर मिलता है तो जरूर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगा, मिल लेना चाहिए। लेकिन अगर हो सकता है नीचे ना आए और ऊपर चला जाए तो ऊपर फिर आपको 310 के ऊपर लेने की चेष्टा करना चाहिए हिंद जिंक में। ठीक है टोनी जी, चलिए आगे है कि टाटा स्टील को कहाँ पे बाय करना चाहिए। टाटा स्टील, तो देखिए टाटा स्टील को बाय CMP पे भी कर सकते हैं ऐसा। देखिए मैं कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चूंकि टाटा स्टील एक मल्टी बैगर स्टॉक है, टाटा ग्रुप का शेयर है, तो आप इसको करेंट वहाँ पे भी बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपीज के आसपास में भी अगर टाटा स्टील मिलता है तो वहां से भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है टाटा स्टील में बेहतरीन तरीके से। तो 100 से लेकर 96 का जो एरिया है टाटा स्टील में, ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी का एरिया, अगर यहाँ पे मिलता है तो जरूर बाय करें। अदरवाइज हो सकता है यहाँ से ना नीचे नहीं आए, हो सकता है यहाँ पर स्टॉक पहुंचे ही नहीं और यहीं से रिवर्स हो जाए, तो 108 से 110 के ऊपर फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा टाटा स्टील में। ये है टाटा स्टील का लेवल। अच्छा, अगर जुबिलेंट फूड की बात कर दे, अगर जुबिलेंट फूड को कहाँ पे बाय करना चाहिए, तो चलते हैं जुबिलेंट फूड को। अगर हम देखा जाए तो जुबिलेंट फूड अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे अवेलेबल है, 440, और जुबिलेंट फूड कहीं ना कहीं नीचे जाने को अब तैयार नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर जुबिलेंट फूड 460 के ऊपर निकलता तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। इनकेस अगर जुबिलेंट फूड 460 के ऊपर नहीं गया तो हो सकता है रिजेक्शन लेके एक बार वापस से 420 से लेके 410 के आसपास आ जाए। तो वहां पर अगर आपको मिलता है 410 से 420 के आसपास में जुबिलेंट फूड, तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस एरिया से बनाने का कोशिश करना चाहिए। तो टाटा स्टील, जुबिलेंट फूड और हिंद जिंक, ये तीनों ही स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन लेवल पर है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। छोटा सा ज्यादा टाइम नहीं लिया मैंने बताने में, क्योंकि लेवल क्लियर कट दिख रहा है इस वजह से। हाँ, अगर ये 460 के ऊपर निकलता तो 480 से 500 का टारगेट जुबिलेंट फूड में बनेगा। टाटा स्टील में 112 से 116 का छोटा टारगेट बनता है, अगर वो 108 रुपए के ऊपर निकलता है टाटा स्टील तब। और हिंद जिंक अगर 265 से 285 के आसपास मिलता है तब उसके बाद हिंद जिंक में एंट्री करिए, अदरवाइज अगर वो 310, चलते हैं मैं हम लोग वापस एक बार हिंद जिंक के चार्ट को एनालाइज कर ले, 310 बिल्कुल 310 के ऊपर अगर निकलता है तो 320 से 330 तक का टारगेट दोबारा से मिल सकता है। तो ये है आपके इन तीनों स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। चलिए आगे बढ़ूं, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए एक और स्टॉक्स है जैसे UBL है, जुबेर कुरैशी जी ने UBL के बारे में लिखा है। जुबेर कुरैशी जी पूछ रहे हैं कि UBL 1300 का सपोर्ट जोन है, स्विंग ट्रेड को बाय करना कर सकता हूँ। एशियन पेंट वीकली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट है, स्विंग के लिए क्या प्राइस होगा। तो देखिए ये जुबिलेंट फूड और एशियन पेंट की बात कर रहे हैं जुबेर कुरैशी जी सऊदी अरेबिया से। तो देखिए UBL की बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले आते हैं UBL पर, और UBL पर 1300 का कह रहे हैं कि सपोर्ट एरिया। ओके, देखिए अगर 1300 का ये सपोर्ट एरिया आपने एनालाइज कर लिया, बहुत बड़ी बात है। 1400 पहले शॉर्ट में, तो छोटे टाइम फ्रेम पर 1400 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, अगर ये 1400 को ब्रेक कर जाता है तब जाके ये आपको 1300 पे मिलेगा, और 1300 के आसपास अगर आ जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये एक अच्छा बाइंग एरिया, यहाँ पर जरूर बाय करना चाहिए जुबेर साहब। बिल्कुल आपने सही एनालाइज किया, बिल्कुल 1300 के आसपास की बाइंग करनी चाहिए। इनकेस अगर ये नहीं जा पाता है 1300 के आसपास और ये 1440-50 के ऊपर निकल जाता है, इस एरिया के ऊपर निकल जाता है, तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी बन सकता है जो 1480 से लेके 1500 तक जाने के चांस बना सकता है UBL में, ये भी आप नजर रखें। एशियन पेंट की तरफ चलें तो देखिए एशियन पेंट आप कह रहे हैं, वीकली चार्ट पर हम चेक कर लेते हैं एशियन पेंट क्या लिख रहा है।
कि वीकली 10 लाइन पर सपोर्ट पे है, स्विंग के लिए बाय कर सकते हैं। देखिए सपोर्ट पर जरूर बाइंग कर सकते हैं, क्यों नहीं, सपोर्ट पर बाइंग ही तो करना चाहिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये 10 लाइन को ब्रेक कर जाता है 2730 के नीचे आ जाता है तो एक बार गिरावट 2700 तक का देखने को बन सकता है एशियन पेंट में। तो 2730 के नीचे सेल करिए, 2700 के टारगेट मिल जाएंगे, 2790 या 2800 इसके ऊपर अगर ये निकलता है 2790 से 2800 के ऊपर, तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा जो 2900 तक के एरिया को क्लेम कर सकता है। तो ये है एशियन पेंट पे मेरा अपना व्यू। तो दोस्तों कुछ स्टॉक्स का लेवल था जो मैंने शेयर कर दिया, जो लोगों के सवाल थे मैंने जवाब दे दिया। पसंद आया तो जरूर मुझे कमेंट करके अपडेट करें, फीडबैक करें। और मैंने एक बैंक निफ्टी का एक स्ट्रैटेजी, इंडेक्स का स्ट्रैटेजी, एक्चुअली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक स्ट्रैटेजी RSI 60 के नाम से डाला है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, काफी हेल्प मिलेगा कि इंडेक्स को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।